हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं कि लॉ ऑप्शनल से जो तैयारी करते हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, तो वो लोग कैसे अपने आंसर को कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो मैंने जहां तक देखा है, मुझे अनुभव रहा है यूपीपीसीएस में क्वालिफाई होने का, फाइनल क्वालिफाई होने का, और लॉ सब्जेक्ट में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे और मेरा सिलेक्शन लॉ सब्जेक्ट की वजह से हुआ था, ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से, क्योंकि मेरे 200 में 150 के ऊपर नंबर थे, 200 मार्क्स में 150 के ऊपर थे फर्स्ट पेपर में, सेकंड में 110 के आसपास थे 200 में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार मैंने उत्तर लिखा था कि मुझे 200 में 150 मिला, 150 से ऊपर ही मिला, 153 मिला। तो उसके लिए देखिए, फर्स्ट पेपर आपका होता है जो कि लॉ का, उसमें मेन कॉम्पोनेंट क्या है, पहला है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंटरनेशनल लॉ। ये तीन कॉम्पोनेंट है, मेजर दो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से डिराइव्ड हैं। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होगा। ठीक है, और आपको टोटल मिला के, कुल मिला के जो क्वेश्चन करने होंगे उसमें, लेकिन दो कंपल्सरी पार्ट्स होंगे और क्वेश्चन के भी सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तीन तीन पार्ट्स होते हैं। और सेकेंड पेपर में आपको पता है कि मेन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्राइम आपका, फिर टॉट और फिर कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट। कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट में आपको बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कंपटीशन लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन, और बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो होते हैं लॉ के फील्ड में। ठीक है, और इसके अलावा आपको बताना चाहते हैं कि जो फर्स्ट पेपर रहता है वो आपको फिलोसॉफिकल टाइप ज़्यादा होता है, सेकेंड पेपर में आपके लॉ की अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है, सब्सटेंटिव अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट पेपर में जो इंटरनेशनल लॉ का पोर्शन है उसमें आपको करेंट से लिंक करना होता है, मेन बात है। जैसे इंटरनेशनल लॉ में आजकल की घटनाएं क्या चल रही हैं, इसराइल का इंसिडेंट हुआ, इसराइल पैलेस्टीन का इंसिडेंट हो गया, या फिर ईरान का इश्यू हो गया, या फिर इंडिया और पाकिस्तान का इश्यू हो गया, इंडिया चाइना का इश्यू हो गया, साउथ चाइना सी का इश्यू हो गया, इंडियन ओशन में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं उसका इश्यू हो गया। आपको इंटरनेशनल लॉ को लिंक करना है करंट से। बहुत लोग नहीं करते इसको, बहुत लोग सोचते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज ए स्टैटिक सब्जेक्ट, बट इंटरनेशनल लॉ इज अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट, ये इवॉल्व करता है। तो आपको जो करंट में सीनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से आपके आंसर को लिंक करना है। जैसे कि चाइना ने साउथ चाइना सी पे अपनी सॉवरेंटी क्लेम कर रहा है, वो कस्टम को मान रहा है, ICJ के जजमेंट को नहीं मान रहा है। तो इसमें आपको पता है ये आर्टिकल 38 है UN चार्टर का। ठीक है, उसके हिसाब से आप इसको इंटरप्रेट करिए। क्या इंटरनेशनल लॉ एक वीक लॉ है? क्या इंटरनेशनल लॉ इज अ पॉजिटिव मोरालिटी? क्या इंटरनेशनल लॉ इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस? तो ये इंटरनेशनल लॉ का आपको लिंक करके आंसर लिखना है, तो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा नंबर। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी आपको इश्यूज आते हैं जो लेटेस्ट केस लॉ होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो लीडिंग केस देता है ना 2021 में, जो लीडिंग केस हुए हैं उससे लिंक करिए। जैसे सबरीमाला केस हुआ, ठीक है, उससे आप लिंक करिए कैसे ह्यूमन राइट टू इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कॉन्सेप्ट निकला। जोसेफ साइन का केस हो गया, ठीक है, नवतेज सिंह जोहर का केस हो गया, तो उससे लिंक करिए अपने आंसर को, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को। जो रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने नए नए नियम दिए हैं, नए नए इश्यूज दिए हैं, उसको लिंक करिए। और जैसे कि आप लिंक करिए कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज क्या क्या उठ रहे हैं, जैसे डिफेक्शन, चुनाव आते हैं डिफेक्शन होता है, तो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो रिसेंट से एग्जाम्पल दीजिए, एंटी डिफेक्शन हो गया, चाहे फेडरलिज्म का हो गया एग्जाम्पल, और बाकी इश्यूज हो गए जिसमें, मतलब आपको इलस्ट्रेशंस दीजिए, करंट से इलस्ट्रेशन दीजिए, लिंक करिए। ठीक है, और इसके अलावा आपको बताना चाहते हैं कि ये फर्स्ट पेपर की तैयारी आपको करंट से लिंक करके, करंट के केस लॉस, करंट के एग्जाम्पल्स, करंट के इलस्ट्रेशन, आईपीसी, जहां तक सेकेंड पेपर की बात है तो आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट टॉट कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो बच्चे निगलेक्ट करते हैं, जो स्टूडेंट्स निगलेक्ट करते हैं, वो है कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट, इसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, उसमें से आपका क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाई कंडीशन एंड वारंटी, या फिर व्हाट इज द इम्प्लाइड कंडीशन, व्हाट इज द राइट ऑफ ए बायर, राइट ऑफ ए सेलर, कुछ फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको उन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। पतले पतले बेयर एक्ट हैं, पार्टनरशिप एक्ट का बेयर एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बेयर एक्ट हो गया, आपको इन बेयर एक्ट्स को पढ़ना है और सिलेक्टिव पढ़ना है बस।
आईपीसी में आपको पता है कि आईपीसी मेजर पोर्शन है सेकंड पेपर का, आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और टॉट, इनसे आपको डिराइव करने हैं न्यू डायमेंशंस। आईपीसी के क्वेश्चन को आप लिंक कर दीजिए फर्स्ट पेपर से, कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यूज से। टॉट को लिंक कर दीजिए आप आईपीसी से, मतलब लिंक करिए ना टॉट को क्राइम से लिंक करिए, मतलब बड़ा इंटरलिंकिंग करिए, और थोड़ा बहुत जुरिसप्रूडेंशियल एंगल भी लिखिए, जैसे 299 और सेक्शन 299 सेक्शन 300 के बीच में डिफरेंस पूछता है, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, तो उसमें आप अपना फिलोसफिकल बेसिस लिखिए कि क्यों डिग्री ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होता है मर्डर में, तो इसकी कल्पेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जो आपके एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है जैसे कि आपका इंटेंशन, मोटिव, ठीक है, और एक्शन, और आपका जो है अटेम्प्ट और रियल एक्ट, आपको इसको ब्रेक करके लिखना है आंसर को अपने, ठीक है। जैसे पूछा था कि किडनैपिंग और अबडक्शन में क्या अंतर है, तो आप इसके लिए एक चार्ट बनाइए, किडनैपिंग क्या है, सेक्शन क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, अबडक्शन क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, और उसका फिलोसफिकल बेसिस लिखिए कि क्यों उन दोनों को अलग रखा गया है, क्या क्या क्राइम ये फिलोसफिकल बेसिस क्या है इनका अलग रखने का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में लीडिंग केस लॉज है, कार्लिल वर्सेस कॉर्बोलिक जो केस है कार्लिल वाला, उसके अलावा आपका टॉट में जो लीडिंग केस जैसे रिलैंड वर्सेस फ्लेचर, ये लीडिंग केसेस हैं, इसके बिना आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। और साथ में आपको थोड़ा बहुत ट्रेंड एनालिसिस करना होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा कंटेम्प्रेरी का कुछ योगदान नहीं है क्योंकि वो एक तरह से स्टैटिक ही है जो रूल्स ले डाउन किए गए हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रूल आ रहा जैसे कि ई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा टॉट में ज़्यादा इवॉल्व नहीं होता है, जो है वो है, लेकिन आपको एक एंगल लिखना है, वो है कि ब्रिटिश कॉमन लॉ, ठीक है, और हमारे लॉ में क्या अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर होता है ना, जैसे टॉट में कुछ होता है, ब्रिटिश लॉ में कुछ और रूल है और इंडिया में कुछ और रूल है, ठीक है, वो आप एक्सप्लेन कर देंगे काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ जगह ब्रिटिश कॉमन लॉ में अलग है और इंडियन में कुछ अलग अडॉप्ट किया गया है, हम लोगों ने डिराइव तो वहीं से किया है, लेकिन कुछ अपने अपने अलग इंडियन स्पेशलिटी है उस लॉज के, उसके बारे में आप जिक्र करिए। इस प्रकार आपको लिखना होता है, और प्रेजेंटेशन बहुत मैटर रखता है, अगर प्रेजेंटेशन बढ़िया से लिखेंगे आपके स्कोर काफ़ी बढ़िया से इन्फ्लेट होंगे स्कोर्स, ठीक है। प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।